हैं दो मेगा रिटर्न और ये भी होने वाली है इस वीकेंड से पहले। तो है जिसके ऊपर एक न्यू अपडेट आ चुकी है और भाई अपडेट को जाकर आप बहुत ज्यादा खुश होंगे क्योंकि इस विंस मैन करवाने वाले हैं 3 दिनों के अंदर एक मेगा WWE के रिटर्न प्लान और गाइस ये रिटर्न होने वाली है पूरी WWE को हिला देने वाली। क्या इसके पीछे का अपडेट और गाइस इसके बारे में वीडियो के अंदर बात करने वाले, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को लेने करते फटाफट से शुरू करते हैं। आप जी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो भाई आप करते रहे तो क्या नहीं तो कर देना। तो चलो तो गाइस क्या होते हैं, सबसे पहले भाई आपको पता है WWE 16 जुलाई से लाइव क्राउड के सामने आ रही है, तो भाई हर एक बंदे को पता है भाई अब जो है 2-3 दिन के अंदर फाइनेंस मैनों का फर्स्ट एडिशन होने वाला है। ये होने वाला है कि रिसेंटली के बाद परचेज इससे हम ये मान सकते हैं कि भाई WWE जो है बहुत जो है अपग्रीमेंट्स करने वाले अपने पूरे थिंक के अंदर, जो कि हम भाई देख रहे थे भाई WWE जो है जल्द से जल्द अपने जो है रॉयल स्मैकडाउन के अंदर नए सुपरस्टार रिटर्न्स बुलाए। और मैं यहाँ पर से हम तो भाई एक ही नाम कह रहे कि भाई ब्रॉक लेसनर आएंगे, जॉन सीना आएंगे, बैकी लिंच आएंगे, तो फिलहाल इनके ऊपर एक अपडेट आ चुका है। और भाई ये फिलहाल अपडेट आ चुकी है बहुत बड़े ट्रस्टेड सोर्स यानी कि WWE का WWE का रेसल बोर्ड्स का मानने। और भाई रेसल बोर्ड्स ये बात अपने रिपोर्ट के अंदर जाहिर करती है कि भाई जो WWE है वो दो ऐसे बड़े रिटर्न प्लान कर रही है जो कि WWE को पूरी तरीके से हिलाकर रख देने वाला। और भाई ये रिटर्न होने वाली है 3 दिनों के अंदर, और भाई इन 3 दिनों के अंदर कभी भी ये रिटर्न WWE पॉसिबल कर सकती है। पहला है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का जो कि 16 जुलाई को WWE टीम हमें दिखाई देने वाला, ये होने वाली है फर्स्ट नाइट। सेकेंड नाइट होने वाली वो होने वाली उसकी 2 दिन बाद यानी कि मनी इन द बैंक एडिशन, जो कि नो डाउट भाई बहुत तगड़ा एडिशन होने वाला है मंडे नाइट का फर्स्ट टाइम एवर। और भाई नेक्स्ट जो 3 डेट तीसरा दिन जो WWE कंसीडर कर सकती है वो है नेक्स्ट वीक का मंडे नाइट रॉक एपिसोड, जो कि मनी इन द बैंक के बाद होगा और वो होगा फर्स्ट टाइम मंडे नाइट रॉक का लाइव फैंस के सामने मंडे नाइट रॉक का एपिसोड। तो गाइस ये 3 दिन होने वाले हैं WWE के लिए बहुत मेगा, और भाई इन 3 दिनों के अंदर WWE बहुत तगड़ी रॉ और स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न करवाने वाले। और भाई यहाँ पर से कि फिलहाल अपडेट नहीं कि भाई क्या ये रिटर्न किस सुपरस्टार के होने वाले, कि मेंस की होने वाली या फिर वेमेंस की, बट ये फिलहाल अपडेट इसके ऊपर कुछ नहीं। बट जॉन सीना हो सकता है, ब्रॉक लेसनर हो सकते हैं, क्या फिर रॉक हो सकते हैं, क्या बैकी लिंच हो सकती है, या फिर कोई WWE के माइंड के अंदर और भी नए सुपरस्टार है, क्या फिन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं अपने डेनियल ब्रायन, क्या हो सकते हैं अपने फिन बैलर, कुछ पता नहीं। बट WWE और भाई बहुत बढ़िया तरीके से फिर से एक बार हमें दिखाई देने वाला है, अगर इसकी शुरुआत होने वाली है 3 दिनों के अंदर। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हमें कुछ दिखा सकती है या फिर सीधा मंडे नाइट रॉ पर भी जा सकती है। WWE रॉ को एक बेस्ट शो है, स्मैकडाउन को भाई रोमन रेंस है, तो भाई स्मैकडाउन को क्या ही और चाहिए, वैसे चाहिए, पर रोमन रेंस एक काफ़ी बड़े सुपरस्टार है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी इन द बैंक के अंदर प्रॉब्लम काफ़ी मेगा रिटर्न हो सकती है, जो कि हो सकती है द मैन बैक लिंच की, जो कि 100% श्योर आप जो है रिटर्न कह सकते हो। और गाइस जो नेक्स्ट रिटर्न हो सकती है वो हो सकती है मंडे नाइट रॉ के ऊपर या फिर MITB के शो के अंदर अपने बीस्ट की बॉय ब्रॉक लेसनर की बेस इंकार्नेट ब्रॉक लेसनर भी हो सकते हैं इसलिए इसके अंदर शामिल है। या फिर जॉन सीना का तो मैंने आपको बता ही दिया था कल वाली वीडियो के अंदर कि जॉन सीना भी जो है हमें दिखाई दे सकते हैं, या फिर जो जॉन सीना भी आ सकते हैं, मैंने वीडियो के अंदर भी आपको बहुत बार कहा कि भाई जॉन सीना आ सकते हैं, तो फिलहाल जॉन सीना इस बार स्मैकडाउन पर भी आ सकते हैं, तो बहुत बड़ी थिंग्स हो सकती है पॉसिबल। तो वैसे आपको क्या लगता है कौन से वो दो बड़े नाम होने वाले हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आके अलग अलग ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बट इस बात की अगर हमारी वीडियो बस यही तक थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर सकते हो लाइक, कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतनी सी थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।